नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। मोदी शाह की मस्ती खोरी देश पर भारी पड़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, आतंकवादियों की चांदी हो गई है। डोडा, कठुआ, रियासी, मोदी के शपथ लेने के 60 घंटे के भीतर कश्मीर में 3 हमले हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी अधूरी जीत के बिलासी जश्न में डूबे हैं। भारत को पहला प्रधानमंत्री मिला है जो राष्ट्र की सुरक्षा पर ताबड़तोड़ हमले के बीच चुनाव जीत जाने के बाद भी रोड शो में हाथ हिलाता है, फैलता फूलों की पंखुड़ियों में नहाता फैलता है, राष्ट्र की आत्मा पर चोट के बीच जय अपनी जय बुलवाता फैलता है। अखबारों की खबरें बता रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री देश नहीं संभाल पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में 7 घंटे में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं। इसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, एक जवान शहीद हुआ, 2 आतंकी मारे गए। तीनों घटनाओं को मिलाकर 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए हैं। सोचिए कि स्वागत समारोह और बधाई संदेशों के आनंद में डूबे नरेंद्र मोदी किस तरीके का देश चला रहे हैं। अमित शाह के तो कहने ही क्या है, जब साल भर से मणिपुर नहीं संभाल पाए तो कश्मीर तो क्या संभालेंगे। उनसे बस नेहरू को गाली दिलवा लीजिए, इस काम में माहिर हैं साहब, वो बाकी काम करने के लिए मत बोलिए उनसे। 11 जून की रात 1 बजे के करीब जम्मू के डोडा में आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी। 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SP घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स डोडा चेक पोस्ट पर हुए हमले में घायल जवानों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना से केवल 4 घंटे पहले यानी 11 जून को ही देर शाम 8 बजे जम्मू रेंज के कठुआ में पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सुखल गांव में 2 आतंकी घोष। लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। मोदी उस समय लाजवाब डिनर के बीच बधाई संदेशों का मजा ले रहे थे। आतंकवादियों ने गांव में घरों के दरवाजे खटखटाने शुरू किए और जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक गांव वाला घायल हो गया। आतंकी हमले की खबर पाकर ही DIG और SSP पहुंचे और एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग शुरू कर दी। ग्रेनेड फेंकने के दौरान वो मारा गया। लगातार मुठभेड़ चलती रही। पुलिस ने आतंकी के पास से अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन बरामद की है। सुरक्षा बलों को एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। कठुआ में आतंकी से मुठभेड़ में CRPF के कांस्टेबल कबीर दास को गोली लग गई। उनकी हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। 35 साल के कबीर दास मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पुल के 2 के रहने वाले थे। उन्होंने 2011 में CRPF ज्वाइन की थी। 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। परिवार में माँ, पत्नी, छोटा भाई। पिता का पहले ही निधन हो चुका है। 8 दिन पहले ड्यूटी पर लौटे थे। जल्दी उनकी पोस्टिंग भोपाल में होने वाली थी लेकिन अब घर में मातम पसरा हुआ है। इस घटना में केवल 2 दिन पहले जम्मू रेंज का रियासी, तारीख 9 जून शाम 6:15 के लगभग नरेंद्र भाई और अमित शाह दोनों दिल्ली में शपथ के जश्न में सराबोर थे। हजारों लोगों के बीच मोदी मोदी चल रहा था। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक उसी मजमे का मजा ले रहे थे। तभी कंधा इलाके में शिवखोरी से कटरा जा रही बस पर घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। चीख पुकार मच गई, ड्राइवर की गोली लगी और बस खाई में जा गिरी। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 41 घायल। पुलिस ने संदिग्ध आतंकी का स्क्रैच कार्ड जारी किया। 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सर्च ऑपरेशन जारी है। केवल 60 घंटे के भीतर की कहानी है। ये ऐसे देश चला रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके शिष्य अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मोदी मोदी के जयकारों पर आतंकवादियों के बंदूक के नाल से निकली गोलियों की बरसात ने सरकार की नाकामी छाप दी। क्या गजब का नाटक चल रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जश्न बनाने से फुर्सत नहीं और सांसद ट्वीट कर रहे हैं कि हम देश चला रहे हैं, ये सब देख लेंगे। उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट लिखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक हीरानगर सेक्टर के सैदा गांव में एक घर पर आतंकवादी हमले के मद्देनजर कठुआ के डिप्टी मिस्टर राकेश मिन्हास और SSP कठुआ इनायत अली चौधरी के संपर्क में जिस घर पर हमला हुआ उसका मालिक भी मोबाइल फोन पर संपर्क में है। संयुक्त पुलिस और सैनिक अभियान चला रहे हैं। आतंकवादी घुसे कैसे, इस पर कोई बात नहीं। लगातार उन्होंने लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में बस नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर से निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिन में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न है। देश जवाब मांग रहा है। आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों के साजिश रचने वाले पकड़ क्यों नहीं जाते हैं। राहुल गांधी ने बहुत ही गंभीर सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को रोंदे जाने के समय भी अपने विलासिता, मौज मस्ती, जंगल, नौका विहार में कोई खलल बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद कीजिए पुलवामा का हमला, ये सुरक्षा बलों पर हुआ इतिहास का सबसे भयानक हमला था। आज तक ऐसा हमला नहीं हो। CRPF के 48 जवानों की जान चली गई थी। हमारे CRPF के 48 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा कि 14 फरवरी को दोपहर 3:10 पर जब आत्मघाती हमले की खबर आई तो उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री से संपर्क किया। मोदी इस समय डिस्कवरी चैनल के शो मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर
गिल्स के साथ शूटिंग कर रहे थे। सत्यपाल मलिक ने बार बार कहा कि तुरंत खबर दिए जाने के बाद भी मोदी ने शूटिंग नहीं रोकी। इस घटना के पूरे 6 घंटे बाद 7 बजे के पास उन्हें उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टेस्टल पार्क से निकलते देखा गया। विपक्ष इसके बाद टूट पड़ा कि आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के दर्जनों जवानों की डेथ के बावजूद मोदी ने अपनी हवाखोरी के साथ कोई समझौता नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी ने जो इशारा किया वो ये है कि पुलवामा हमले के कसूरवारों को आज तक कुछ पता नहीं चला। आज तक नहीं पता कि चप्पे चप्पे पर निगरानी के बावजूद मारुति इको वैन में विस्फोट की इतनी बड़ी मात्रा पुलवामा पहुंची कैसे। किसी को नहीं पता कि कैसे हमला करने से पहले आतंकवादियों ने यह जान लिया था कि किस पर हमला करना है और किस पे सबसे ज्यादा जवान बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने 2019 के आम चुनाव में अपनी नाकामियों की वजह से हुई शहादत को वोट के बाजार में जमकर बेचा। इस समय हम जानबूझकर डोकलाम की घटना का जिक्र नहीं करना चाहे, लेकिन देश जानना चाहती है कि 18-18 घंटे काम करने वाले मोदी करते क्या है। महंगाई उनसे दूर होती नहीं, बेरोजगारी उनसे दूर नहीं होती, आतंकवादी हमले को रोक नहीं पाते, आतंकवादी हमलों के साजिशकर्ताओं को पकड़ नहीं पाते, तो सवाल है कि दबाकर खाने और तान कर सोने के अलावा मोदी अपने राजमहल में करते क्या है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।